हेलमेट जरूर पहने। जी हाँ, हेलमेट नहीं पहना तो पुलिस ने किया ऐसे स्वागत, जनहित में जारी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि JNPT पोर्ट ट्रस्ट, जी हाँ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसका कि नाम भी बदली हो गया है, वो अपनी ईमानदारी के लिए तो प्रसिद्ध ही है, आप जानते ही हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जनता सब जानती है। वहाँ पे मिला एक 6 महीने से अनक्लेम कंटेनर, और जी हाँ ये आप देख सकते हैं ड्रग्स हैं, 363 करोड़ की ड्रग्स हैं। जी हाँ, ड्रग से भरा कंटेनर ये जो गांव है उसके पास कंटेनर यार्ड में रखा गया था। जी हाँ, मुंबई में से सटे नवी मुंबई के JNPT में, जी हाँ दुबई से ये कंटेनर आया था। 27 दिसंबर 2021 को अपराध शाखा विभाग को प्राप्त हुआ एक गुप्त सूचना की कंटेनर दुबई से JNPT पोर्ट पर आया है। ड्रग से भरे कंटेनर को जो है गांव के पास रखा गया था, लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कंटेनर को, जैसा कि CP विपिन कुमार सिंह जी बता रहे हैं, को कोई भी क्लेम करने के लिए नहीं आया। जब क्लेम करने के लिए नहीं आया तो संदिग्ध हुआ। पंजाब पुलिस की मदद से इस पूरे अंजाम को अंजाम दिया गया। बहुत सारे जितने भी एजेंसी जो काम करती है इसमें इंफॉर्मेशन सबको कहीं ना कहीं से मिलता रहता है, तो पंजाब पुलिस को भी इंफॉर्मेशन मिला और भी जगह से हमारे पास भी कुछ इंफॉर्मेशन हमारे लोगों ने भी इकट्ठा किया, तो ये सब करके हमने उसको डेवलप किया। और हमारी जो टीम है क्राइम ब्रांच की, ये ऑफिसर्स और उनके जो स्टाफ हैं उसमें लोगों ने बहुत मेहनत किया। उसके बाद में जा करके ये जो कंटेनर है जिसमें जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन था कि शायद ये किसी भी कंटेनर में कहीं से आया, हज़ारों कंटेनर आते रहते हैं JNPT में, बहुत सारे कंटेनर आते रहते हैं, तो वो सब इन्फॉर्मेशन निकालना करना और इसमें इसको लोकेट करना कहाँ पर है, किस CFS में है, और फिर वहाँ पे कंटेनर को जब देखा गया तो उसमें तो सिर्फ मार्बल जो पत्थर है वो कटिंग करके था, लेकिन फिर भी हमारी इन्फॉर्मेशन और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी में जो चीज़ें हमारे जो आ रही थी उससे हमको लगा कि शायद ये इसको 6 महीने से वहाँ पे पड़ा हुआ अनक्लेम, जिसने जिसका कंसाइनमेंट है वो क्लेम नहीं करता है, तो बहुत सर्कमस्टांशियल उसमें एविडेंस भी था और ये सारा जो एक शक आया उस पर, तो बाद में हमारे लोगों ने कंटेनर पे और दोबारा उसकी जा करके उसकी वो है सर्च किया, कटिंग किया, फिर बाद में उसमें ऐसा हुआ कि कोई कैविटी है इसके अंदर क्या, तो पता लगा कि वो जो फ्रेम वगैरह बने हुए हैं वो शायद जो है वो सिलिंड्रिकल पाइप के फ्रेम्स हैं, तो उसमें डाउट आया कि शायद इसमें हो सकता है। तो 6 महीने से कंटेनर वहाँ पड़ा हुआ था, उसको और भी लोगों ने एजेंसियों ने चेक किया था, अब फिर बाद में वो फ्रेम चेक करके उसको कटिंग किया, उसके बाद में जितने भी ये 6-7 फ्रेम कट किए वो सारे डोर के जो 4 फ्रेम थे, बाकी ऊपर के फ्रेम थे, अंदर के फ्रेम थे, उसमें से 168 ये जो पैकेट्स मिले हमको, और उसमें वो 10-10 इंच के पैकेट है, लंबे 2 इंच ऊंचे होंगे, और उसमें पाउडर जैसा ऐसा हमको कुछ मिला उसको। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई, उल्वे न्यूज़।